हेलो हेलो चलो मैच की शुरुआत करते हैं एमसीएल मदीना क्रिकेट लीग स्पॉन्सर्ड बाय डीबी रियलिटी ईडी रियलिटी सलीम बलवा पहला मैच होगा पहला मैच पठानवाड़ी स्टार बनाम गुलशन क्रिकेट क्लब वर्सोवा के बीच में होगा छः छः ओवर का मैच होगा पहले दो ओवर का खेल यानी अनिवार्य या पावर प्ले का खेल होगा दोनों ऑफिशियल अंपायर हमारे मैदान पर जा चुके हैं और गुलशन क्रिकेट क्लब सलामी के बल्लेबाज टॉस हार कर पहली बार बल्ला बल्लेबाजी करने के लिए जाएगी गुलशन क्रिकेट क्लब के वसीम और नई में दोनों सलामी के बल्लेबाज और गेंदबाजी के लिए हंजल आएंगे पहली ओवर लेकर अनिवार्य पावर प्ले का खेल है पहली ओवर का खेल वसीम लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है अनिवार्य अनिवार्य पावर प्ले के खेल में दो खिलाड़ी बाहर होते हैं तो एक खिलाड़ी विकेट यहां पर तैनात किया गया और दूसरा खिलाड़ी लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में यानी कॉर्नर रीजन में तैनात किया गया है मैच की शुरुआत होती हुई हंजला गेंदबाजी करते हुए पहले मैच नौ छब्बीस पहली गेंद लेके हंजला राइट हम राउंड विकेट डिफेंस करना चाहते थे विकेट कीपर फंबल हुए दो खिलाड़ी गेंद के पीछे भागते हुए और पहली गेंद आगाज काफी शानदार हुआ लेग बाय के रूप में गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन बाहर रन मिलेंगे चार 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 सीमा रेखा पार इस चार रन के मदद से टीम का खाता खुला बल्लेबाज बीट हुए विकेट कीपर बीट हुए दो खिलाड़ी पीछे थे वो बैठ हुए और गेन बाउंड्री लाइन बाहर की चार रनों के लिए इस चार की मदद से टीम का खाता खुला है चार रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है लेग बाई के रूप में ये रन आए गेंदबाजी करते हुए हंजला थोड़े से नाखुश नजर आएगी इस बीच अगली गेंद

पूरा कर लिया काफी मुश्किल भरा ये रन था एक रन पूरा कर लिया इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा पांच रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है स्ट्राइक रोटेट हुआ अब स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने के लिए नहीं माएंगे बल्लेबाज पहला मुकाबला चलता हुआ प्रेशर दोनों तरफ है दबाव दोनों तरफ है पहला मैच है लीग टाइप टूर्नामेंट है ये यहाँ पर दबाव दोनों तरफ है हर खिलाड़ियों में है तो 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 से शुरुआत शुरुआत करना करना बहुत है। तो शुरुआत आपको करना बहुत जरूरी जरूरी है। 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 आपको जब जब बल्लेबाज बल्लेबाज आते हैं तो में अक्सर बार-बार देखने के लिए मिलता तो वसीम पर थे, एक deep एक खिलाड़ी तैनात किया गया था तीन गेंदों का खेल हो चुका है यहां से आने वाले तीन गेंदों का खेल अभी विकेट, आड़े बल्ले के साथ खेला को पास करते हुए जाती हुई एक रन मिलेगा जरूर इस एक रन के बाद टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा छह रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका रन संख्या में इजाफा होता हुआ यहां से पहली ओवर के आने वाले दो गेंदों का खेल शेष है शे। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए हंजला गेंदबाजी करते हुए टीम का निर्णायक ओवर पहला ओवर लेकर आए हैं इस बीच अगली गेंद बैकफुट पर गए थे क्रॉस जाकर खेलना चाहते थे मगर गेंद ने चकमा दिया गेंद ने क्रेजी किया गेंद पैरों से जाकर टकराई कोई रन नहीं मिलेगा पांच गेंदों का खेल खत्म हो चुका है पहली गेंद पर तो बाउंड्री आने की बात ये कमबैक किया है केवल दो ही रन खर्च किए हैं जी हां टीम का स्कोर इस समय छह रन इस भी अगली गेंद फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक टाइम स्ट्रोक कैच का मौका ये कैच छूटा है एक रन पूरा कर ले दूसरे के लिए जाएंगे जी नहीं एक ही से संतुष्ट होना पड़ेगा इसीकरण की मदद से

शॉर्ट फाइनली के दोनों खिलाड़ी बीट होकर गेंद लॉकस्टॉप रीजन में चार रनों के लिए गई थी अब गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद मकनोजिया गेंदबाजी करने के लिए आए दूसरी ओवर का खेल लेकर ये दूसरे अनिवार्य पावर प्ले का खेल 6 6 ओवर के मुकाबले में पहले दो ओवर का खेल यानी अनिवार्य पावर प्ले का खेल मोहम्मद मकनोजिया गेंदबाजी करने के लिए लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट रूम दिया आधे बल्ले के साथ खेला हुआ शॉट एक रन पूरा कर लिया गेंद के पीछे खिलाड़ी भागते हुए अच्छी फील्डिंग करते हुए दो रन आसानी के साथ पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी रनिंग बिटवीन द दो विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में रूम दिया था रूम का बखूबी फायदा उठाया वसीम ने लेफ्ट लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज हैंडेड बल्लेबाज खेलते हुए नजर आते हुए पहली गेंद डबल के साथ शुरुआत की दो रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा नाइन मोहम्मद की अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट फिर एक बार छोटी गेंद मेरे एक बार रूम दिया काफी बेहतरीन शॉट खेला एक रन पूरा कर लिया थोड़े से फंबल में वहां पर दूसरा रन भी पूरा कर लिया इस दो रन के मदद से टीम का स्कोर दो अंकों में ग्यारह रन नेल्सन फिगर रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है सिंगल डब, डबल पे विश्वास रखते हुए बल्लेबाज दोनों अच्छे बल्लेबाज करते हुए स्कोर बोर्ड में हलचल रखते हुए नजर आते हुए शुरुआत काफी अच्छी हुई आगाज काफी अच्छा हुआ है दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ अनिवार्य पावर प्ले का खेल पहली दो गेंदे पिच दिशा की गेंद थी रूम मिला था आड़े बल्ले के साथ खेला था इस बीच फिर एक बार अगली गेंद छोटी गेंद पुल पावरफुल सक्सेसफुल वंडरफुल ब्यूटीफुल गेंद सीमा रेखा पार ये आई, ये पहला ये पहला सिक्सर आया वसीम इनके बल्ले से इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर है सत्रह रन पिच गेंद थी पुल किए और पुल में सक्सेसफुल हुए और 25 मिनट के अंदर आपको इनिंग खत्म करनी है छह ओवर का खेल छत्तीस का खेल पच्चीस पुल पुल लाइन बाहर छह रनों के लिए छह के साथ टीम का स्कोर सत्रह स्कोर बोर्ड पर लग चुका है दूसरी ओवर का खेल तीन गेंदों का खेल हो चुका है अब तक दस रन खर्च कर चुके हैं गेंदबाज मोहम्मद मकनोजिया इस बीच अगली गेंद सामना करेगी वसीम बड़ा शॉट फिर एक बार खेलना चाहते थे

हेलो बार बार खराब फील्डिंग होती हुई थोड़े से नाखुश नजर आते हुए अनिवार्य पावर प्ले का खेल खत्म हो है, दो ओवर का खेल खत्म हो चुका है दो ओवर में उनतीस रन बन चुके गुलशन क्रिकेट क्लब वर्षोवाई टीम के सो पहला बॉल नौ बज के छब्बीस मिनट को ओवर का मैच है आपको पच्चीस मिनट के अंदर यह मैच खत्म करना है अगर नौ बज के चौबीस मिनट तक छठा ओवर चौपन मिनट पर अगर छठा ओवर शुरू नहीं हुआ तो तो बाय डिफॉल्ट एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर जाएगा तो ऐसे कुछ नियम इंटरनेशनल नियम उसी तरह से ये नियम यहाँ पर रखे गए हैं फिर एक बार कहना चाहूंगा छह ओवर का मैच है नौ बज के छब्बीस मिनट पर शुरुआत हुई है नौ बज के पचपन यानी चौपन मिनट पर छठा ओवर शुरू नहीं हुआ तो जो बाहर खिलाड़ी वो थर्टी सर्कल हेलो फिर एक बार वसीम इन्होंने लेट कट किया गेंद गली से ट्रैवल हुई चार मिले उस चार के मदद से टीम का स्कोर 33 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका तीस है तीसरी ओवर की पहली गेंद पे बाउंड्री के साथ शुरुआत हुई गेंदबाजी करने के लिए मसूद आए गेंदबाजी के लिए इस बीच वसीम फिर एक बार अगली गेंद सामना करेंगे उसी अंदाज में लेट कट किया बैकवर्ड पॉइंट रीजन में गेंद जाती हुई एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा थर्टी फोर रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है पहली ओवर का खेल लेकर आए थे हंजल आए थे गेंदबाजी करने के लिए अच्छी गेंदबाजी की दूसरी ओवर मोहम्मद आए थे गेंदबाजी करने के लिए इन्होंने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की थोड़े से महंगे साबित हुए उनके खिलाफ वसीम ने अच्छी बल्लेबाजी की दो सिक्सर आए फिर उसके बाद मसूद आए गेंदबाजी करने के लिए दो गेंदों में पांच रन खर्च कर चुके तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ नई स्ट्राइक पर सामना करेंगे अगली गेंद राइट राउंड विकेट फिर एक बार परफेक्ट टाइमिंग अच्छा, रन मिलेगा जरूर इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा थर्टी फाइव रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका पठानवाड़ी स्टार कहीं ना कहीं फील्डिंग खराब करते हुए नजर आती हुई पहला मैच है और पहले मैच में शुरुआत काफी खराब होती हुई फिर एक बार पुल करना चाहते थे फिर एक बार मौका बना था मौका हाथ से जाता हुआ मौका जितना छोटा शब्द उतने समय के लिए आता है तो उस मौके का फायदा उठाना बहुत जरूरी है एक बार चाय में डूबा हुआ बिस्किट बिस्किट चाय में ज्यादा देर तक रहा तो समझो हाथ से भी गया और मौका भी गया तो ये मौका बना था मौका हाथ से गया एक रन मिलेगा इस एक रन के मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा थर्टी सिक्स रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है गुलशन कॉलोनी वर्सोवा के बीच में मुकाबला चलता हुआ छह चौवर का मैच पहली गेंद नौ बज के छब्बीस मिनट पर डाली गई थी फिर एक बार अगली गेंद पुल करने का प्रयास डीप में खिलाड़ी तैनात जब तक कि डीप के खिलाड़ी आते मिड विकेट पे फील्ड करते केवल एक ही रन मिलेगा इस एक रन के मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा रन संख्या में इजाफा होता हुआ थर्टी सेवन रन टीम का स्कोर पांच गेंदों का खेल हो चुका है राइट मोर द विकेट फिर एक बार मिस टाइम स्ट्रोक क्या ये कैच होगा वसीम अपने शॉट से नाखुश और ये कैच फिर छूटा ये कैच इतना आसान था कि शायद शोले के ठाकुर पकड़ दे बहुत आसान सा एक कैच था मौका बना था बार बार मौके मिल रहे हैं मौके का फायदा उठाना बहुत जरूरी है टेन तीन ओवर का खेल हुआ यहां पर खत्म तीन ओवर के बाद टीम का स्कोर है अड़तीस रन अब यहां से अठारह गेंदों का खेल बचा है जिस तरह से ओवर का मैच है छत्तीस गेंदों का खेल है पच्चीस मिनट के के अंदर खत्म करना है है ऐसे कुछ नियम है, तो अगर बज मिनट पर पहला बॉल पिच किया गया तो नौ बज के पचपन मिनट पर अगर छठा ओवर शुरू नौ बजकर छप्पन मिनट पर नौ बज के चौपन मिनट पर अगर छठी ओवर की शुरुआत शुर नहीं हुई तो बाय डिफॉल्ट जो एक बाहर खिलाड़ी है वो थर्टी आठ सर्कल के अंदर जाएगा तो इसे कुछ नियम है वो नियम को फॉलो करना बहुत जरूरी है अड़तीस रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है वसीम काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए पंद्रह पर तीस पर बल्लेबाजी करते हैं और नईम तीन गेंदों पर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर है अड़तीस रन लॉस ऑफ जीरो अठारह गेंदों का खेल बचाए गेंदबाजी करने के लिए अगली ओवर लेकर आएगी गेंदबाज गे गे एक बार राइटम राउंड विकेट विकेटेन क्विक शॉट पिकअप शॉट गेन, पिक गेन बाउंड्री लाइन बाहर रन मिले गे सीमा रेखा पार एमसीएल सी एल

टीम का स्कोर 56 रन पर लग चुका है तीन गेंदों का खेल, खेल मौका है है बार बार रनआउट की अपील और वापस आना पड़ेगा वसीम को पहला मौका मिला था दूसरी बार भागना चाहते थे मगर पहला विकेट मिलेगा पहला ब्रेक थ्रू वसीम के रूप में 48 पर इनकी पारी हुई यहाँ

फिर एक बार अगली गेंद सामना करेंगे। राफे पहली गेंद आते ही साथ खेला थी। डिप मिट और से दो खिलाड़ी भागते हुए गेंद पर गए थे मगर कैच नहीं ले पाए ये गलती होती हुई रन चुराए फिर एक बार दो इस दो के मदद से टीम का स्कोर 73 रन पांच गेंदों का खेल हो चुका है यहां से आने वाली पांचवी ओवर की यह आखिरी गेंद होगी जी हां ये आखिरी गेंद में देखना होगा राफे आते ही सात आक्रामक नजर आए आते ही सात बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था कैच छूटा है इनका और गुलशन क्रिकेट क्लब वर्सोवा की टीम कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुश नजर आएगी इस बीच फिर एक बार अच्छी गेंद वाइड यॉर्कर का प्रयास और उसमें कामयाब होते हुए 5 ओवर का खेल हुआ यहां से खत्म और टीम का स्कोर है 73, 73 रन अब यहां से आने वाले 6 गेंदों का खेल बचा है जी हाँ यहाँ आखिरी छह गेंदों का खेल बचा है आखिरी छह गेंदों का खेल लेकर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे हंजला।, हंजला जी जिन्होंने पहला ओवर किया था वही गेंदबाज आखिरी ओवर करने के लिए आएगी अपने स्पेल का दूसरा और टीम के तरफ से आखिरी ओवर लेकर हंजला मकनोजिया गेंदबाजी करने के लिए आएंगे मोमिन नगर और मुंबई सेंट्रल इसके बाद होने वाला इनका मुकाबला दोनों टीम के कैप्टन से गुजारिश करता हूं प्रेजेंटेशन बॉक्स में आना है हंजला को यहां से अच्छी गेंदबाजी करनी बहुत जरूरी जिस तरह से पहली ओवर में गेंदबाजी की थी उसी तरह से गेंदबाजी करना इस बीच छठी ओवर का के, एक खेल चलता हुआ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे गेम यहाँ पर नजर आता हुआ थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई है मगर क्रिकेट है क्रिकेट में गलतियों को माफी नहीं है इस बीच कदमों का प्रयोग गेंद अंदर डंडी बाहर नियम की पारी हुई यहाँ पर खत्म जी हाँ छे ओवर का मैच

2023 सीजन एट यहां पर चलता हुआ और दोनों टीम को टॉस जीतने के बाद एक किट दिया जाता हुआ जो कि बेहतरीन ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है और इसके जो स्पॉन्सर्ड है ये डीबी रियलिटी और एडी रियलिटी सलीम बलवा यहां से इस ओवर के आने वाले चार गेंदों का खेल बचाए नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं मोहम्मद बल... मोहम्मद दादू जी बल्लेबाजी के लिए गए हैं ये फुल टॉस मिड ऑफ में खिलाड़ी तैनात एक रन मिलेगा जरूर इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा चाहते थे बड़ा शॉट खेलना चाहते थे अक्षम के बाहर आकर खेलना चाहते थे चार गेंदों का खेल हो चुका है यहाँ से आने वाले केवल दो गेंदों का खेल बचा है आखिरी ओवर के केवल दो गेंदों का खेल बचा है आप कहीं ना कहीं कैप्टन थोड़े से खुश नजर आते वह अगली गेंद

एक काफी बेहतरीन ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है एमसीएल मदीना क्रिकेट लीग पिछले आठ सालों का ये भरोसा सात सीजन इससे पहले देखिए आठवां सीजन व्हाइट अंपायर का इशारा इस व्हाइट के मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 77 हर टीम के कैप्टन के चेहरे पे एक मुस्कान नजर आती हुई जी हाँ ये इंतजार की घड़ी खत्म हुई है और आज यहाँ पर अपना प्रदर्शन अपना परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी है आखिरी गेंद हंजला

टॉस से होता हुआ ये दूसरा मैच इसके बाद तुरंत ये मैच होगा मोमिन नगर बना मुंबई सेंट्रल इसके बाद होने वाला मुकाबला मुंबई सेंट्रल बनाम मोमिन नगर के बीच में मोहम्मद भाई गोलन के शुभ हाथों से यह टॉस हुआ टॉस जीत कर निर्णय क्या है आपका हम लोग पहले गेंदबाजी करेंगे बॉल फर्स्ट ओके okay, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया इससे पहले जो अभी ये मैच देखते हुए टॉस जीतकर पठानवाड़ी ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया गेंदबाजी करते हुए सेवेंटी नाइन रन उन्होंने कहा था कि साठ तक रोकने का प्रयास करेंगे काफी खराब फील्डिंग हुई आप किस पे उम्मीदें रखेंगे कौन सी गेंदबाज पर सबसे ज्यादा उम्मीदी होगी और किस गेंदबाज पे सबसे ज्यादा नजर होगी कि अच्छा प्रदर्शन करेगा मेरी सबसे ज्यादा नजर इनशाला हमारे अंदर अवरार है और एक सहद करके इनशाला उसके ऊपर होप है इनशाला वो अच्छी गेंदबाजी करेंगे और हमको सफलता दिलाएंगे तो इस टूर्नामेंट का सालों साल का इंतज़ार पिछले साल से इस साल तक का इंतजार कल की रात में शायद आपको नींद नहीं आई होगी क्योंकि खुद कप्तान जब कप्तानी करते लीड करते टीम को तो एक बहुत ही बड़ा माइंडसेट होता है कि किस तरह से प्रदर्शन करता है पहला मैच है पहले मैच के लिए क्या रणनीति होगी कितने रन तक रुकाना चाहेंगे आप इनशाला वैसे भी मुंबई सेटल के साइड अच्छी है अगर वो लोग सत्तर मारते हैं तो इन हमारे पास चेस की कैपेसिटी है हमारे अंदर सात आठ तक तो प्रॉपर बैट्समैन है इनशाला हम लोग मार देंगे फिर

90 रन का टारगेट लेके चल रहे हैं उससे ज्यादा हो तो और अच्छा है और इंशाल्लाह हमारे पास ऐसे बॉलर है कि जो 90 तो चेस करके रुका सकते हैं okay, के ऑल द बेस्ट मैच खेलें 90 चेस करके ऐसे गेंदबाज है जो तो 90 को डिफेंड कर सकते हैं रोक सकते हैं तो ऑल द बेस्ट आपका मैच के लिए इसके बाद आपका तुरंत मैच होने वाला है तो चलिए कमेंट्री बॉक्स में चलते फिर एक बार पठानवाड़ी स्टार और गुलशन क्रिकेट क्लब वर्सोवा के बीच में टॉस जीता है पठानवाड़ी ने जिसमें पहले फील्डिंग करते हुए नजर आए और गुलशन क्रिकेट क्लब वर्सोवा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 79 रन बनाए जीतने के लिए अस्सी का लक्ष्य रखा है अब छत्तीस गेंदों में अस्सी का पीछा कर पाएगी यानी पठानवाड़ी की स्टार वो जानने के लिए हम चलते कॉमेंट्री बॉक्स में हेलो मैच शुरू करते हैं गुलशन कॉलोनी वर्सोवा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 79 रन बनाए जीतने के लिए अस्सी का लक्ष्य रखा है पठानवाड़ी के दोनों सलामी के बल्लेबाज आए हैं अब्दुल समद और मोहम्मद बल्लेबाजी करने के लिए और गेंदबाजी करने के लिए पहली ओवर का जिम्मा लेकर आए हैं 957 कोई पहली गेंद पिच हुई गेंदबाजी करने के लिए पहली ओवर का जिम्मा लेकर आएगी वसीम आएगी जो बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक पर नजर आए थे वही गेंदबाजी करने के लिए पहली ओवर का खेल लेकर आएगा अनिवार्य पावर प्ले का खेल लेकर वसीम लेफ्ट ओवर ओवर विकेट पिच की गेंद लेवर रीजन में खिलाड़ी तैनात एक रन पूरा कर लिया दूसरे के लिए जाएगी क्या ये दूसरा रन पूरा कर पाएगा जी हाँ दूसरा रन भी पूरा कर लिया अच्छी बल्लेबाजों के बीच में तालियों के साथ अच्छी फील्डिंग होती हुई अनिवार्य पावर प्ले का खेल चलता हुआ अनिवार्य पावर प्ले के खेल में दो खिलाड़ी बाहर हो गए जी हाँ फिर एक बार अगली गेंद खिलाड़ी तैनात है मिड ऑफ क्षेत्र में डायरेक्ट हिट लगता तो शायद खतरा हो सकता था एक रन मिलेगा इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा रन संख्या में इजाफा होता हुआ तीन रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है स्ट्राइक पर बल्लेबाज आएगा बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद और गेंदबाजी करते हुए वसीमा लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है लेफ्टी एंड राइटी हमें गुलशन कॉलोनी वर्सोवा की टीम में भी देखने के लिए मिले थे वसीम और नहीं आए थे बल्लेबाजी करने के लिए और पठानवाड़ी के बल्लेबाजी में भी लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन है अब्दुल समद और मोहम्मद सलामी के बल्लेबाज हैं वसीम की अगली की अगली गेंद लेफ्ट ओवर द विकेट ऑन साइड दिशा में खेला हुआ शॉट खिलाड़ी तैनात है एक रन मिलेगा जरूर इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा चार रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है इस ओवर की गेंदे हुए तीन गेंदे हो चुके चार रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है वसीम गेंदबाजी करते हुए फील्ड पोजीशन देखते हुए राइट एंड लेफ्ट एक लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात तो इस बीच अगली गेंद अच्छी गेंद यॉर्कर का प्रयास उसमें कामयाब होते हुए नजर आते हुए वसीम बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए अड़तालीस रन की पारी और गेंदबाजी करते हुए काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अब 33 गेंदों में 77 की आवश्यकता वसीम चार गेंदे हो चुके हैं यहां से आने वाले दो गेंदों का पांच गेंदे हो चुकी है इस बीच फिर एक बार ओवर पिच गेंद लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात है मगर उनको बीट करके गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन बाहर चार के लिए इस चार की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा आठ रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है पहली ओवर का खेल वसीम आए थे गेंदबाजी करने के लिए पहली ओवर में आठ रन जी हाँ वसीम ने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की अपने टीम के लिए अड़तालीस रन बनाए अब्दुल समद स्ट्राइक पर थे आखिरी गेंद का सामना करते हुए वसीम लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ओवर पिच दिशा की गेंद स्ट्रेट हिट ये लगाया लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात थे मगर गेंद को नहीं रोक पाई गेंद बाउंड्री लाइन बाहर जाती और अपने आप से नाखुश नजर आते हुए लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी अब गेंदबाजी करने के लिए दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाज आएंगे गए उजैफा आएगी गेंदबाजी करने के लिए छत्तीस गेंदों का खेल पहली गेंद नौ मिनट पर जी हाँ पच्चीस मिनट के अंदर छह ओवर का मैच आपको इनिंग आपको खत्म करनी है दूसरी ओवर का खेल दूसरे अनिवार्य पावर प्ले का खेल लेकर गेंदबाजा है तीस गेंदों में बहत्तर की है आवश्यकता कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं हारा वही जो लड़ा नहीं चमचमाती ट्रॉफी आप लोग स्क्रीन पे देखते हुए काफी बेहतरीन ये ट्रॉफी है ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया एम सी मदीना क्रिकेट लीग दो सीजन एट स्पॉन्सर्ड बाई डीबी रियालिटी ईडी रियालिटी सलीम बलवा और देख सकते हैं आप लोग चमचमाती ट्रॉफी यहां पर स्क्रीन पर आपके सामने एमसीएल सीजन एट स्विच फिर एक बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे कोई फुटवर्क नजर नहीं आया मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में फुटवर्क होना बहुत जरूरी है फुटवर्क नजर नहीं आया होजेफा गेंदबाजी करते हुए ये दूसरी ओवर का खेल दूसरे अनिवार्य पावर प्ले का खेल अगली गेंद ये छोटी गेंद फिर एक बार फुटवर्क नजर नहीं आया मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में फुटवर्क होना बहुत जरूरी है दो गेंदे हो चुके दो गेंदों में कोई फुटवर्क नजर नहीं आया गेंद बा, गेंदबाजी अच्छी होती हुई बल्लेबाजी मोहम्मद थोड़े से चिंतित नजर आते हुए इस बीच फिर एक बार अगली गेंद आइटम राउंड विकेट ये तीसरी गेंद पे वही देखने के लिए मिलता हुआ मोहम्मद बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदबाजी करते हुए हुजैफा अब यहाँ से अगर देखा जाए तो 72 की आवश्यकता रिक्वायर्ड रन रेट 15.43 का है और करण रन रेट शुरुआत काफी धीरे होती हुई अब यहाँ पर अब्दुल समद थोड़े से कान मंत्र देते हुए कि ये मैच हमें जीतना है आज के दिन का ये पहला मुकाबला होता हुआ अनिवार्य पावर प्ले का खेल चलता हुआ दूसरी ओवर का की अगली गेंद बैकफुट पर जाकर केवल पंच किया एक रन मिलेगा जरूर और शायद अब्दुल समद यही कहते हुए सिंगल देना स्ट्राइक स्ट्राइक रोटेट रोटेट किया रोटेट के के साथ साथ इस एक टीम का स्कोर हुआ नौ रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है हुजैफा गेंदबाजी करते हुए चार गेंदे हो चुकी पहली तीन गेंदे डॉट बॉल आई और उसके बाद चौथी गेंद पे एक सिंगल आया अब यहाँ से दो गेंदों का खेल बचा है अब राइट हैंडेड बल्लेबाज स्ट्राइक पर आए अब्दुल समद जो पांच गेंदों पर सात पे बल्लेबाजी करते हुए इस बीच अगली गेंद राइट विकेट कट किया है कट खिलाड़ी खतरे की घंटी मगर एक 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 रन आसानी से पूरा कर लेगे इस एक के साथ फिर एक बार रोटेट हुआ दो अंकों पावर प्ले की आखरी दो का खेल अनिवार्य पावर प्ले का खेल आखिरी गेंद सामना करेंगे गेंद थी।, थी इस बीच हमारे जो स्क्वायर लेग के एम्पायर है उसी के पास Again, बाज एक गेंदबाज एक कॉन्फिडेंस नजर आता हुआ अपने खिलाड़ियों पे अच्छी फील्डिंग होती हुई नजर आती हुई स्क्वायर लेग क्षेत्र में एक रन मिला इसे 1 के साथ टीम का स्कोर 11 नेल्सन फिगर 11 रन टीम का स्कोर चमचमाती ट्रॉफी आप स्क्रीन पे देखते हुए एमसीएल सीजन 8 2023 जी हां एक साल इंतजार किया सीवन सीजन 7 के बाद यह आठवां साल तमामों का इंतजार वो इंतजार यहां पर खत्म होता हुआ और चमचमाती ट्रॉफी आपके नजरों के सामने सीजन एट का चैंपियन कौन सी टीम होगी आज ही के दिन में यहाँ पर एम का चैंपियन तय किया जाएगा यह एम चमचमाती ट्रॉफी आपके सामने देखते हुए दो ओवर का खेल खत्म हो चुका है अनिवार्य पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है अब गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद आएगी तीसरी ओवर का जिम्मा लेकर हुजैफा ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की तीन रन खर्च किए पहली ओवर में आठ के बाद हुजैफा अनिवार्य पावर प्ले के खेल में केवल तीन रन खर्च किए अब तीसरी ओवर का खेल लेकर आए हैं चौबीस गेंदों में

इस बीच फिर एक बार गेंद टप्पा पड़कर कट होकर विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई जा क्या गेंदबाजी करते हुए गुलशन कॉलोनी की के टीम ओर के से टप्पा गिरी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। इनके लिए वो लेग कट साबित हुआ राइट हैंडेड गेंदबाज जब करता है तो उनके लिए ऑफ कट होता है और काफी बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई मोहम्मद इनकी लगातार दो गेंद डॉट हो चुके अगली गेंद फिर एक बार सामना करेंगे इस समय थोड़ी सी छोटी गेंद थी पुल किया है खिलाड़ी तैनात है दो खिलाड़ी के बीच में से गेंद फरार गेंद गई सीमा रेखा पार ये लगा चौकार इस चौकी की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा पंद्रह रन इतने समय बाद बाउंड्री मिली कोई लड़का नौकरी ढूंढ रहा था नौकरी ढूंढते ढूंढते सरकारी नौकरी मिली उसी तरह यह बाउंड्री मिली इस बाउंड्री की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा पंद्रह रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है काफी बेहतरीन शुरुआत करना बहुत जरूरी है जब सब कुछ खत्म हो गया ऐसा लगता है ना तब शुरुआत करने में एक अलग मजा आता है तो स्टार्ट करना बहुत जरूरी है जी हाँ ये तीनों काफी स्क्रीन पे जो आपको नजर आते हुए हमारे सलमान भाई और उनके साथ में इस बीच फिर एक बार ये शॉट ऑफ द डे गेंद को देखा पड़ा जड़ा और गेंद बाउंड्री लाइन बाहर जाएगी जी हाँ मैंने कहा ना शुरुआत करना बहुत जरूरी है लाइफ पुट्स यू 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 इन इन टफ सिचुएशन सिचुएशन डोंट से से व्हाई मी मी जस्ट ट्राई बिकॉज नो वन कैन कैन प्ले योर रोल बेटर देन इफ स्टे पॉजिटिव विन तो शुरुआत करना बहुत जरूरी है अब मोहम्मद का बल्ला यहां से बोलता हुआ दस गेंदों में तेरह पे बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर इक्कीस पर चार गेंदे हो चुके अब यहां से आने वाले दो गेंदों का खेल बचा है पहले तीन गेंदों में थोड़े से पहले दो गेंदों में थोड़े से चिंतित नजर आए तो उसके बाद शुरुआत की है मोहम्मद इन्होंने 21 रन टीम का स्कोर इस बीच फिर एक बार अगली गेंद उसी अंदाज में खेलना चाहते थे मगर गेंदबाज ने अब कहीं ना कहीं एक तेरी तो एक मेरी बाहुबली में कतप्पा और गेंदबाज के सही टप्पा अच्छे टप्पे के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए पांच गेंदें हो चुके आने वाली ये आखिरी गेंद होगी आखिरी गेंद सामना करेंगे इस बीच उसे अंदाज में खेलना चाहते थे ओवर 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 की समाप्ति होती हुई तीन का का खेल खेल यहां से हुआ खत्म पहली लेकर आए वसीम अनिवार्य पावर प्ले में आठ रन खर्च के दूसरी ओवर का खेल लेकर आए हुफा जिन्होंने तीन रन खर्च किए उसके बाद मोहम्मद आए और मोहम्मद इन्होंने दस रन खर्च किए जिसमें एक बाउंड्री और एक सिक्सर आया बाकी पहले दो गेंदे डॉट आए उसके बाद आखिर के दो गेंदे डॉट आए अब गेंदबाजी करने के लिए चौथी ओवर का गेंद मोहम्मद सुनसरा गेंदबाजी करने के लिए चौथी ओवर का खेल लेकर आए गए अब मोहम्मद बल्लेबाजी करते हुए बारह गेंदों पर तेरह पर अब्दुल समद बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंदों पे पर आठ पर चौथी ओवर का खेल अठारह गेंदों में फिफ्टी की है आवश्यकता शुरुआत करना बहुत जरूरी है जी हाँ व लाइफ पुट्स इन टफ सिचुएशन आपको शुरुआत करनी है जी हाँ नेगेटिव मैं आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है बिलीव इन योरसेल्फ खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी खुद की ताकत पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी खुद की आवश्यकता अब यहाँ से आपको शुरू करना बहुत जरूरी है छोटी सोच और पैरों में मोच आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी राइट ओवर द विकेट बड़ा शॉट खेलना चाहते थे इस बीच विकेट कीपर शॉर्ट मैन में जो खिलाड़ी तैनात थे वो बीट होते हुए और 22 के रूप में गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन बाहर जी हां इस चार के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा संख्या में इजाफा होता हुआ 25 ट्वेंटी क्रॉस जाकर खेलना चाहते थे वाइड बॉल अंपायर का इशारा इस वाइड की मदद के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा रन संख्या में इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ ट्वेंटी नाइन रन कदमों का प्रयोग किया ऑन साइड की दिशा में खेला हुआ शॉट लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी तैनात जब तक ये आते फील्ड करते एक रन आसानी के साथ पूरा कर लिया इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा तीस रन अब पंद्रह गेंदों में इक्यावन की आवश्यकता यहां से आपको बड़े शॉट ढूंढना बहुत जरूरी है बड़ी सोच बड़े शॉट रखना बहुत जरूरी है उनतीस रन टीम का स्कोर इस बीच अब यहाँ से आपको शुरुआत करना बहुत जरूरी है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जिनके बल्ले से एक बाउंड्री और एक सिक्सर आ चुकी है गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सुनसरा इस बीच छोटी गेंद कट किया है इस बीच रनआउट का मौका खतरे की घंटी और रनआउट के रूप में आना पड़ेगा वापस बल्लेबाज अब्दुल समद इनको जी हाँ हमारी ऑर्गेनाइजर कमेटी जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है वो हमारे स्क्रीन पे सामने नजर आते हुए सलमान बलसनिया अब्दुल समद कोजर शोब माविया और मोहम्मद बलसानी जी हाँ काफ़ी बेहतरीन ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है एक सोच के साथ यहाँ पर आए हैं जी हाँ हमें हर घड़ी आरजू है तुम्हारी दुनिया की हर खुशी हो तुम्हारी गम कभी आपके दरवाजे पे दस्तक ना दे बस इतनी सी दुआ है खुदा से हमारी और हमारे जो मैच रेफरी है वो नहीं मुक्की यह हमारे मैच रेफरी है और जो हमारे इस लीग के स्पॉन्सर है डी बी रियालिटी ई डी रियालिटी नईम सलीम बलवा एम सी एल मदीना क्रिकेट लीग सीज़न एट इससे पहले सीजन सेवन देखे अब ये सीजन एट देखते हुए पहला मुकाबला देखते हुए आप खुद कप्तान बल्लेबाजी करने के लिए गए हुजैफा जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए इस ओवर की तीन गेंदे हो चुके गेंदबाजी कर चार गेंदे हो चुके आड़े बल्ले के साथ या ऑन साइड की दिशा में खेला हुआ शॉट खिलाड़ी लॉन्ग ऑन में तैनात, एक रन मिलेगा जरूर इससे एक रन के मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा रन संख्या में इजाफा होता हुआ आखिरी गेंद होगी 29 रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लक्ष्य 30 रन टीम का स्कोर इस बीच बॉलर लिन की गेंद लो फुल टॉस खिलाड़ी तईनाथ क्षेत्र में फील्डिंग होती हुई एक रन मिलेगा इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा इकतीस रन चार ओवर का खेल हुआ यहां से खत्म टीम का स्कोर है इकतीस रन अस्सी रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए काफ़ी तादाद में यहाँ पर दर्शक आए दर्शकों का आना बहुत ज़रूरी है टूर्नामेंट की शान टूर्नामेंट की रौनक बढ़ाने वाले जो हमारे दर्शक हमारे स्क्रीन के सामने नजर आते हुए मैच का आनंद उठाते हुए पहला मैच अपने कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं अब उनके मालूमत के लिए मैं बताना चाहूँगा बारह गेंदों में फोर्टी नाइन की आवश्यकता करंट रन रेट चलता हुआ सेवन पॉइंट सेवेंटी फाइव रिक्वायर्ड रन रेट है यहाँ से ट्वेंटी फोर पॉइंट फिफ्टी बारह गेंदों में है फोर्टी नाइन की आवश्यकता अब गेंदबाजी करने के लिए स्क्रीन पे अब देखते हुए हुए गेंदबाजी करने के लिए अपने स्पेल का दूसरा टीम की तरफ से पांचवा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आएगी एक अच्छे गेंदबाज जिन्होंने अपने स्पेल के पहले ओवर में केवल तीन रन खर्च किए थे वही गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आएंगे राइट हम राउंड विकेट छोटी गेंद गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा भाग्य का सहारा रनआउट का मौका शायद बचपन में गोटिया नहीं खेली है निशाना सटीक नहीं लगाया जी हाँ एक रन मिलेगा जरूर इस एक रन के मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा रन संख्या में इजाफा होता हुआ थर्टी टू रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है बड़ा मुकाबला है अब यहाँ से ग्यारह गेंदों का खेल बचाए हुजैफा और हुजैफा दोनों टीम के कप्तान अब गेंदबाजी करते हुए और बल्लेबाजी करते हुए डाउन के बल्लेबाज आए इस बीच आते ही साथ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेग क्षेत्र में गेंद जाती हुई जब तक के डीप से खिलाड़ी आते फील्ड करते एक ही रन मिलेगा इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा थर्टी थ्री रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है अब यहाँ से रिक्वायर्ड रिक्वायर्डर ट्वेंटी पंद्रह गेंदों में पंद्रह पर बल्लेबाजी करते हुए लिमिटेड ओवर में मोहम्मद बल्लेबाजी की बात की जाए तो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज एक बाउंड्री और एक सिक्सर जरूर आया है बट यहाँ से उनको कहीं ना कहीं बड़े शॉट ढूंढना बहुत जरूरी है क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य वो बड़े लक्ष्य का पीछा करना बहुत जरूरी है जीत और हार के बीच तय किए जाने वाले सफर का नाम कोशिश है तो कोशिश आपको करना बहुत जरूरी है होजीफा काफ़ी बाहर या लेक्स्टम की जाने वाली गेंद वाइड बॉल अंपायर का इशारा इस वाइड के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा थर्टी फोर रन एक विकेट के नुकसान पर दो गेंदे हो चुके दस गेंदों में छियालीस की आवश्यकता फोर्टी सिक्स की आवश्यकता दस गेंदों में लेफ्टिनेंट बल्लेबाज मोहम्मद बल्लेबाजी करते हुए इस बीच होजीफा की अगली गेंद टप्पा गिर कर हुए गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं गेंद सीधा विकटों से जाकर टकराई और मोहम्मद की पारी भी यहाँ से खत्म सोलह गेंदों पर पंद्रह की इनकी ये पारी और थोड़े से अपने आप से नाखुश नजर आते हुए एक बाउंड्री और एक सिक्सर इनके बल्ले से और हुजैफा को मिली ये सफलता काफी बेहतरीन गेंदबाज़ है अच्छा अनुभव इनके पास एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हुए जी हाँ सोलह गेंदों पर पंद्रह पर पारी खत्म सफल हुए थे के बाहर गए थे गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और गेंद गेंदों से टकराई अपने आप से नाखुश नजर आते हुए गलत शॉट सिलेक्शन नजर आता वजिया गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और अच्छी गेंदबाजी होती हुई ऑफ्टम के बाहर जाकर खेलना चाहते तो और गेंद विक्टों से जाकर टकराई वापस आना पड़ेगा मोहम्मद को अब नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए इस ओवर की गेंदों की अगर बात की जाए तो

एक रन मिलेगा जरूर इस एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा रन संख्या में इजाफा होता हुआ रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है जी हाँ। अब को यहां से खुद के काबिलियत पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है जी हाँ भरोसा खुद पर होना बहुत जरूरी है क्रिकेट में दोस्त है चैलेंज एक कॉन्फिडेंस का तो कॉन्फिडेंस के साथ बड़े शॉट लगाना बहुत जरूरी है इस बीच छोटी गेंद आड़े बल्ले के साथ लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी तैनात ंग कारपेट गेंद जाती हुई एक ही रन मिलेगा दूसरे के लिए जाना चाहते थे मना किया इम्तियाज ने अब गेंद है छत्तीस रन टीम का स्कोर इस ओवर की आने वाली आखिरी गेंद बल्ले का सही संपर्क ने गेंद पैरों से टकराई एक रन मिलेगा जरूर इस एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा इस जी आ, बात की जाए हमारे मैच रेफरी नहीं मुक्की ये स्क्रीन पर नजर आते हुए एक काफी अनुभव इनके पास क्रिकेट का और वो यहाँ पर नजर आता हुआ इस मैच के मैच रेफरी हमारे स्क्रीन पर इसके बाद होने वाला मुकाबला मोमिन नगर बना मुंबई सेंट्रल के बीच में होगा दोनों टीम से गुजारिश करते हो कि रेडी रहना इसके तुरंत बाद आपका मैच होगा अब छः गेंदों का खेल बचा है यहाँ से आने वाले छह गेंदों का खेल बचा है अब गेंदबाजी करने के लिए आखिरी छः गेंदों का खेल लेकर आएगी गेंदबाज मोहम्मद नदरिया गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर का जिम्मा लेकर आए छह गेंदों में 43 की है आवश्यकता शुरुआत नहीं हुई जो शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत नहीं हुई और एक बार अगर शुरुआत हो तो उस पर संयम उस पर कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है अब बल्लेबाजी करते हुए इम्तियाज सामना करेंगे छह गेंदों में फोर्टी की आवश्यकता ओवर पिच दिशा की गेंद ऑन साइड की दिशा में खेला हुआ ये शॉट लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी तैनात है एक ही रन मिलेगा जरूर एक एक के साथ आगे बढ़ेगे हुजैफा अपने आप से थोड़े से नाखुश नजर आते हुए क्योंकि उनकी टीम ने जिस तरह से फील्डिंग की है बार-बार मौके उनके हाथ आ रहे थे वो मौके हाथ से गवाए वसीम इनके काफी मौके आए थे वो मौके हाथ से गए टच ड्रॉप किए गलती को सुधारना होगा इस बीच फिर एक बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे बैकफुट पर जाकर रन संख्या में इजाफा होता हुआ थर्टी नाइन रन टीम का स्कोर इस ओवर के आने वाले चार गेंदों का खेल बचाए छे छह ओवर का मैच चलता हुआ एक रिक्वायर्ड हंड्रेड के साथ आपको आगे बढ़ना था इस बीच फिर एक बार हो यॉर्कर सही गेंद अच्छी गेंद को सम्मान और खराब गेंद को समाचार देना चाहिए तो ये गेंद काफी बेहतरीन गेंद केवल इस समय बल्लेबाज सम्मान ही कर सकता है डिफेंस ही कर सकता है और वो नजर आता हुआ जी हाँ मोहम्मद नदरिया गेंदबाजी करते हुए इस बीच बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई गेंद में तिरतालीस की आवश्यकता थी जब गेंदबाजी कर दे देख इस बीच फुल टॉस आड़े बल्ले के साथ खेला हुआ शॉट खिलाड़ी तैनात अच्छी फील्डिंग नजर आती हुई जी बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में इस बीच अब टीम मीटिंग चलती हुई मुंबई सेंट्रल और मोमिन नगर के मैच होगा इसके बाद और टीम मीटिंग चलती हुई काफी बड़ा मैच है इसके बाद नेक्स्ट मैच आप लोग देखेंगे मुमिन नगर बना मुंबई सेंट्रल के बीच में इस बीच अगली गेंद उजैफा बड़ा शॉट खेलना चाहते थे अब तक वाइट बॉल अंपायर का इशारा इस वाइट के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है बड़ा मुकाबला है बड़ा मंच है पहला मैच चलता हुआ गुलशन कॉलोनी बनाम पठानवाड़ी स्टार के बीच में जिसमें पठानवाड़ी स्टार ने टॉस जीत कर गुलशन कॉलोनी वर्सो को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था और बल्लेबाजी करते हुए गुलशन कॉलोनी वरसो ने सेवेंटी रन बनाए थे जीतने के लिए अस्सी का लक्ष्य रखा था वो लक्ष्य का पीछा करते हुए बैक फुट पर जाकर आड़े बल्ले के साथ खेला हुआ शॉट सक्सेसफुल होते हुए गेंद बाउंड्री लाइन बाहर छह रनों के लिए छ के साथ इस तरह की बल्लेबाजी पहले से होना बहुत जरूरी थी अब कहीं कही ना कहीं नाखुश इस सिक्सर के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है 47 रन मोमिन नगर, नगर ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया और बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया मुंबई सेंट्रल टीम को इस बीच फिर एक बार फुल टॉस केवल दिशा दी है जिया क्या शॉट खेला केल राहुल की याद दिलाने वाला शॉट केवल टाइम किया और गेंद बाउंड्री लाइन बाहर इस चक्के के साथ टीम का स्कोर 53 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है जी हां एक बॉल में 40 जी हाँ मैच जीता है गुलशन कॉलोनी वर्सोवा ने पहला मैच आगाज काफी अच्छा हुआ पिछले साल की रनर अप टीम शुरुआत करते हुए पहला मैच जीतते हुए एक हल्की सी मुस्कुराहट उनकी टीम के चेहरे पर होजे पा थोड़े से नाखुश नजर आते हुए पठानवाड़ी स्टार टीम को